spermatids have to be converted to specially designed hydrodynamic, motile, and functional male gamete. Okay, known as sperms or spermatozoa. समझ रहे हो? Now this process of conversion is referred to as क्या? Spermiogenesis. ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? Spermiogenesis. Okay, so this is the concept. तो आप क्या क्या चेंजेस होते हैं, फाइन, तो वो आपको लिखना पड़ेगा. ओके, तो इसको हम लोग लिखते कि उधर ले जाएंगे, इधर कोई जरूरत नहीं है, फाइन. तो इसीलिए नाउ फंक्शनल स्पर्म्स, ओके, या इसको हम लोग लिखेंगे दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स. ओके, इन दिस प्रोसेस द फॉलोइंग चेंजेस अकर. ठीक है, तो ये आपका चेंजेस होता है. तो सबसे पहले क्या होता है, स्फेरिकल सेल्स बिकम्स एलोंगेटेड स्पर्म. ठीक है, तो स्फेरिकल सेल बिकम्स एलोंगेटेड स्पर्म, फाइन. उसके बाद आपका जो है, ओके, उसके बाद हमारा क्या होगा, जो न्यूक्लियस है, ओके, न्यूक्लियस इज लूज, लेस कंडेंस्ड, लैक हिस्टोन. ठीक है, तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पर्म के न्यूक्लियस में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है. सो दे आर लूजली पैकेज्ड. समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि अगर हिस्टोन नहीं होगा तो पैकेजिंग अफेक्ट करता है. ओके, सो दे लैक हिस्टोन्स, सो दे आर लूजली पैक्ड. ठीक है, उसके बाद प्लॉयडी उसका क्या हो जाएगा? नाउ प्लॉयडी इज इक्वल टू एन कॉमा. ठीक है, तो ये उसका प्लॉयडी लेवल है. नाउ सेंट्रियोल डिवाइड्स इंटू थ्री. आप एनसीईआरटी में टू लिखोगे, ठीक है, तो मैं टू ही बता देता हूँ क्योंकि तुम लोग एनसीईआरटी बैच है, तो इसलिए वो थ्री होगा एक्चुअली. तो ये वाला मैं हटा देता हूँ तुम्हारे बैच, फाइन. तो सेंट्रियोल डिवाइड्स इंटू टू, क्योंकि थर्ड वाला एनसीईआरटी में नहीं दिया है. ओके, डिवाइड इंटू प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल. तो प्रॉक्सिमल का मतलब क्या है? इट is given to the what? It is given to the egg. Okay, it is given to the egg as egg lacks centriole of its own. समझ रहे हो? तो अंडे के पास अपना खुद का सेंट्रियोल नहीं होता है, तो इसलिए हमें उसको देना पड़ता है. ठीक है जी, तो क्या करेगा सेंट्रियोल लेकर? वो डिवाइड करेगा, राइट. सो दैट इज व्हाई यही सेंट्रियोल है. दिस सेंट्रियोल हेल्प्स द एग टू क्या, डिवाइड. ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, cleavage divisions. Understood? तो इसलिए जो पहला सेंट्रियोल है, ओके, तो पहला सेंट्रियोल जो है उसको हम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोलते हैं, एंड दूसरा सेंट्रियोल जो है उसको डिस्टल बोलते हैं. नाउ इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइन
प्लस टू क्या माइक्रो ट्यूब्यूलर एक्सोनीम ऑफ द फ्लैजेला। समझ रहे हो? तो जो फ्लैजेला है उसका 9+2 अरेंजमेंट कौन बनाता है? आपका डिस्टल सेंट्रियोल। इज दिस पॉइंट अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। चलिए नाउ उसके बाद ये सेंट्रियोल का कन्वर्जन हो गया हमारा, फाइन। फिर न्यूक्लियस का भी हमने देख लिया एंड सेल तो हमने ऑलरेडी देख लिया। उसके बाद है गॉल्जी बॉडी। ओके, तो गॉल्जी बॉडी फॉर्म्स ए लार्ज क्या, इट फॉर्म्स ए लार्ज लाइसोसोम नोन एज एक्रोसोम। ठीक है, तो प्लीज रिमेम्बर, कल अगर नीट में क्वेश्चन आता है कि एक्रोसोम क्या है, गॉल्जी ना लाइसोसोम, तो आप क्या बोलेंगे? लाइसोसोम। डोंट टेल इट इज गॉल्जी, इट इज मेड फ्रॉम गॉल्जी बॉडी। ठीक है, तो इट इज रिच इन स्पर्म लाइसिंस दैट हेल्प इन द पेनिट्रेशन ऑफ द ओवम, तो वो एग को पेनिट्रेट करने में मदद करता है। पोशाक, ठीक है। उसके बाद फ्लैजेला, जो फ्लैजेला है वो क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म द टेल। ठीक है, तो फ्लैजेला बिकम्स स्पर्म टेल। माइटोकॉन्ड्रिया आर अरेंज्ड इन ए स्पाइरल एंड नाउ बिकम नेबनकन, तो इसलिए उसको हम नेबनकन, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, आप नहीं पढ़ने से भी चलेगा। ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया आर प्लेस्ड इन द मिडिल पीस एंड दे हेल्प टू प्रोपेल द स्पर्म। ओके, सो दे फॉर्म द पावर हाउस ऑफ द स्पर्म। बाय दे फॉर्म द पावर हाउस ऑफ द स्पर्म। ठीक है, तो इसलिए ये आपका स्पर्म का पावर हाउस है, तो इसीलिए फाइन। नाउ ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया, तो ह्यूमन स्पर्म में कितना माइटोकॉन्ड्रिया होता है? 25 इन ह्यूमन। समझ रहे हो? तो ये याद रखेंगे, तो सारे के सारे स्पाइरली अरेंज होते हैं, वो तो हमने स्ट्रक्चर ऑलरेडी देख लिया है। नाउ साइटोप्लाज्म क्या बनता है? साइटोप्लाज्म बिकम्स हाईली कंडेंस्ड एंड दे सराउंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म हाईली कंडेंस हो जाता है एंड उसको सराउंड करता है, इट बिकम्स गैलिया एंड मैनशेल। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, तो देख रहे हो, तो इतना सारा चेंज होने के बाद आपका क्या बनता है? बोलिए, स्पर्मेटोजोआ। तो ये होता है विथ द हेल्प ऑफ सर्टोली सेल्स। तो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स? सर्टोली सेल्स। ठीक है, इज इट अंडरस्टूड? तो क्या कुछ देख पूछना है बता लीजिए। नेबनकन का मतलब बोल दीजिए। नेबनकन माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, तो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल को नेबनकन बोला जाता है। समझ में? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्पाइरल है उसी को नेबनकन बोला जाता है। तो जो हमने यहाँ पढ़ा था ना, दिस स्पाइरल, इसको नेबनकन बोला। फाइन, तो ये आपका पावर हाउस। ओके, तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेल सिस्टम खत्म। हाँ बोलो बोलो। थर्ड सेंट्रियल तो तुम्हारा है नहीं, तो क्या है उसको पढ़ोगे? तो तुम लोग अभी थर्ड होगा, फिर एग्जाम में लिख दोगे, फिर बोलोगे सर ने लिखाया था, क्या जरूरत है यार? तो हम लोग स्कूल में थर्ड नहीं पढ़ाते, तुम्हारा गाइडलाइन ही एनसीईआरटी है ना, तो इसलिए आपको थर्ड जानने का कोई जरूरत नहीं। चलिए और बोलिए।
तो हमारा मेल सिस्टम हो गया खत्म। तो इसलिए जो भी पूछना मेल्स के बारे में पूछ लीजिए, फिर हम लोग चले। तो हमने मेल का एनाटॉमी डिस्कस कर लिया, टेस्टिस, स्पर्म, स्क्रॉटम, सेक्स ग्लैंड्स डिस्कस कर लिया। फिर हम लोगों ने मेल फिजियोलॉजी डिस्कस किया, सीमेन एंड आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, एंड हमने अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मेल। चलिए, तो ये हमारा मेल हो गया, तो इसलिए और कुछ पूछना है तो बोलिए। हाँ, इसमें एक्चुअली एक थोड़ा सा जगह ले आते हैं तो लिख देंगे ना। उसके बाद जैसे वो भूमिका ने पूछा था, रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सर्टोली सेल्स। ओके, तो रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल्स इनटू द लुमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स is known as क्या? स्पर्मेशन। ओके, इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्मेशन। क्लियर? तो ये हमने लिख लिया। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट मेल्स। पाथवे ऑफ स्पर्म दिखा देंगे, उसमें थोड़ा एपिडर्मिस का पार्ट में कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन उसमें कुछ नहीं है, तुम्हारा कंफ्यूजन के लिए मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अगर तुम बिना पढ़े कंफ्यूजन हो तो क्या है उसमें कंफ्यूजन बताओ। रेक्टल टेस्टिस के बाद एपिडर्मिस। हाँ, एपिडर्मिस कैसे जाएगा? हाउ इट विल गो टू एपिडर्मिस बताओ। अब तुम पढ़ोगे नहीं और तुम्हारा डाउट मैं बैठ के सॉल्व करता रहूं ना क्या? तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा ना। तो क्या जाएगा बताओ? आपको तो टेबल में भी दे दिया, हर जगह दे दिया, फिर आपको कंफ्यूजन कैसे हो जाता है? सर, टेस्टिस से जाएगा एफरेंट डक्टल्स के थ्रू। हां, वासा एफरेंसिया। तो वासा एफरेंसिया से कहां जाएगा? JJS does not believe in spoon feeding. अगर आप तैयार होके नहीं आते हो, you have to die. There is no other options. Fine. Competition में there is no scope for escapism. You have to come prepared to the class. And that too, you know, JJS class without preparation it is almost like death. समझ रहे हो? तो आप बिना तैयारी के आएंगे तो ये आपका risk. ओके, सिंपल सा पाथ है। उसके बाद कहाँ जाएगा एपिडर्मिस? कहाँ जाएगा? तो एपिडर्मिस बिगिन होता है कैपुट से, कैपुट के बाद बनेगा कॉर्पस, कॉर्पस के बाद बनेगा कॉडा, कॉडा से बनेगा आपका वास डिफरेंस। तो क्या दिक्कत है उसमें? सर, स्पर्म का वायबिलिटी कितना देर तक होता है? स्पर्म का वायबिलिटी जिंदगी भर रहेगा। एक्चुअली क्या होता है, स्पर्म्स जो हमने तैयार कर लिया तो उसको हमने क्या कर दिया? We have inactivated it. तो जैसे हमने स्पर्म्स को इनएक्टिवेट कर दिया तो अब क्या होगा बताइए? अब वो रहेगा, इट विल बी इन द स्टोरेज। बट एक बार उनको आप एक्टिवेट कर दिए तो इट विल डाई फास्ट। तो इसलिए इन स्टोरेज वो रह सकता है, कुछ दिन रह सकता है आराम से, फाइन। बट एक बार एक्टिवेट कर दिए तो वो चला जाएगा, एंड जब तक उसके पास एनर्जी है वो जिएगा, फाइन। चलिए और बोलिए। ये एनसीईआरटी इतना बकवास बुक बना है, मैंने उसका पीडीएफ भी इतना बकवास है कि मैंने खुलता भी नहीं है टाइम। चलिए और बोलिए, जल्दी पूछ लो, क्योंकि बाद में अब मैं मेल का कोई डाउट नहीं लूंगा।